हेलो फ्रेंड्स, हार्ट फेलियर एक काफ़ी कॉमन बीमारी है, काफ़ी डेंजरस बीमारी है। लोग हमसे इसके डाइट के बारे में पूछते हैं, कौन सी फल अच्छे हैं, कौन सी सब्ज़ी अच्छी है, इस बारे में पूछते हैं। हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए फल कौन से अच्छे हैं, इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो किया है। आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए सब्ज़ियाँ कौन सी अच्छी हैं। इनमें से कोई भी ऐसी सब्ज़ी या ऐसा कोई तत्व नहीं है जो आपके पम्प फंक्शन को सुधार देगा या हार्ट फेलियर को बेटर कर देगा या ओवरऑल इससे आपका नलियों के ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो जाएंगे, ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे, ऐसा यूजली नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसको अगर ठीक मात्रा में लिया जाए तो हार्ट के लिए अच्छे हैं, हार्ट को कुछ बेनिफिट देंगे अलग अलग तरीक़ों से। चाहे वो पम्प फंक्शन नॉर्मल करे या नहीं करे, आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे अच्छा फूड प्रोडक्ट माना जाता है हरी साग सब्जी को। पालक, मेथी, केल, स्विस चार्ड, ये सब ही विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के, पोटाशियम और मैग्नीशियम के काफ़ी अच्छे सोर्स हैं। ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करते हैं, हार्ट के रिदम को नॉर्मलाइज करने में मदद करते हैं और हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में पोटाशियम लेवल्स को मेंटेन करना फ़ायदेमंद होता है। बहुत ज़्यादा पोटाशियम भी नुकसान करता है लेकिन उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। यदि किडनी का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है तो थोड़ा उसमें ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, पर अदरवाइज रूटीन लोगों के लिए ये अच्छा माना जाता है। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट को हरी साग सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए। इसके अलावा ब्रोकोली में होता है विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स। इसमें कंपाउंड्स होते हैं जैसे सल्फोरापेन, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करने वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं। यदि आपको हार्ट फेलियर है तो ब्रोकोली आपको खाना चाहिए। शिमला मिर्च में भी विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी ब्लड प्रेशर के लिए अच्छे हैं, ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छे हैं, फाइबर्स हैं जो कि बॉडी का वजन कम करते हैं, डाइजेशन के लिए भी अच्छे हैं। कैरेट्स यानी गाजर, इसमें बीटा कैरोटीन होता है और विटामिन ए होता है जो कि आपकी ओवरऑल हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, हार्ट के टिश्यूज़ को हेल्दी रखने में, स्वस्थ रखने में आपकी मदद करता है। कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, ये कैलोरी में कम है, फाइबर में ज़्यादा है, तो ये काफ़ी हार्ट के लिए अच्छा है। इसमें विटामिन सी और विटामिन के है जो बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा काम करता है और आपकी हार्ट को रखता है हेल्दी। इसके अलावा जुकीनी, जुकीनी में होता है विटामिन ए और विटामिन सी और पोटाशियम, इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। खीरा यानी क्यूकुम्बर, इसमें हाइड्रेटिंग पावर अच्छी होती है, कैलोरीज कम होता है, विटामिन मिनरल्स और पोटाशियम अच्छा होता है, इसलिए हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है या बहुत सीवियर हार्ट फेलियर है जहाँ शरीर में ऑलरेडी पानी ज़्यादा है तो वहाँ इसे थोड़ा ध्यानपूर्वक लेना चाहिए क्योंकि इसमें पानी एक्स्ट्रा बॉडी में जा रहा है। अनियंस यानी प्याज भी एंटीऑक्सीडेंट तत्व अच्छे होते हैं तो हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। उसी तरह गार्लिक यानी लहसुन, ये भी ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी को इम्प्रूव करता है, ब्लड को पतला करता है, ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करता है, ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, तो ये भी हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए अच्छा है। इसके अलावा मूली यानी रेडिश, इसमें विटामिन सी, फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसको सैलड्स में और दूसरे डिशेज में यदि हम लेते हैं तो ये हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए अच्छा माना गया है। तो आज हमने बात करी हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए बेस्ट सब्जियां कौन सी है। इसमें हरी साग सब्जी, ब्रोकली, शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, जुकीनी, खीरा, अनियंस यानी प्याज, लहसुन और मूली, ये सबसे बेस्ट वेजिटेबल्स है हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा कुछ और वेजिटेबल्स भी है जो हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं, हालांकि उनमें थोड़ा फ़ायदा ये अभी जो हमने बात करी उनसे थोड़ा कम मिलेगा। नेक्स्ट वेजिटेबल जो हार्ट के लिए अच्छा है वो है स्वीट पोटैटोज। इसमें फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी और पोटाशियम कंटेंट अच्छा है, ये हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए अच्छा है। इसमें पोटाशियम कंटेंट भी अच्छा है पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे नहीं लेना चाहिए क्योंकि शुगर थोड़ा बढ़ा सकता है और पोटाशियम अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एग प्लांट यानी बैगन, इसमें कैलोरीज कम होते हैं, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे होते हैं तो ब्लड वेसल्स की फंक्शनिंग के लिए अच्छा है। पत्ता गोभी में कैलोरीज कम है, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे हैं, विटामिन के है, ये आपकी ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जिनको ब्लड थिनर्स चल रहे हैं यानी कि एंटीकोएगुलेंट वाली मेडिसिन चल रही है उनको ये ध्यानपूर्वक लेना चाहिए क्योंकि वैसे लोग को विटामिन के थोड़ा नुकसान कर सकता है। जो लोग को एंटीप्लेटलेट चल रही है जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक के पेशेंट को चलते हैं, वो खून पतला करने की दवा की अलग कैटेगरी है, वो वाले पेशेंट्स इसको आराम से ले सकते हैं क्योंकि उनको फ़ायदा मिलेगा, उनको विटामिन के से नुकसान नहीं होगा। पर जिन लोग को हार्ट में क्लॉट है, जिन लोग को डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, हार्ट के वाल्व्स का प्रॉब्लम है, उनको एंटीकोएगुलेंट चलती है, ये खून पतला करने की अलग तरह की दवाई है, ये अगर चल रही हो तो विटामिन के वाले फूड प्रोडक्ट्स का ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा एस्पारेगस यानी चौलाई में विटामिन ए, सी और के है,
इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ गुड प्रोटीन और विटामिन का सोर्स, फाइबर के सोर्स के लिए। इसके अलावा सेलरी यानी अजमोदा, इसमें फाइबर और पोटेशियम कंटेंट अच्छा होता है, इसलिए आपकी डाइट के लिए अच्छा है। हरी मटर, इसमें ब्लड वेसल्स अच्छा होता है जो कि आपकी ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और आपकी न्यूट्रिशन और डाइट के लिए अच्छा है। बीट्स भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, नाइट्रेट्स हैं, नलियों को डायलेट करता है, ब्लड फ्लो इम्प्रूव करता है, फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स है। टमाटर में लाइकोपीन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, विटामिन ए है, विटामिन सी है जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। पार्सली में विटामिन ए और विटामिन सी होता है जिसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट रहता है और आपकी डिशेस में थोड़ा फ्लेवर भी ऐड करता है। इसके अलावा शलगम यानी टर्निप्स में विटामिन सी और विटामिन के होता है जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा है, फाइबर कंटेंट भी इसमें अच्छा है। तो आज हमने बात करी स्वीट पोटैटोज, बैगन, कैबेज यानी पत्ता गोभी, एस्पैरेगस यानी चौलाई, सेलरी यानी अजमोदा, ग्रीन पीस, बीट्स यानी बीटरूट, टमाटर यानी टोमेटोज, पार्सली और टर्निप यानी शलगम, ये सब्जियों के बारे में। ये भी हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए कुछ अच्छी है। शुरुआत में हमने जो बात करी थी वो सब्जियाँ बेस्ट है, ये भी ली जा सकती है, लेकिन ये उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगी जितनी शुरुआत वाली सब्जियाँ करेंगी। तो आप इसी सीक्वेंस में सब्जियों को डिसाइड कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि ये कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।